स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग अपना पेज नंबर 97 रीड आउट करेंगे, जिसकी फर्स्ट हेडिंग है टेक्स्ट। टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? कोई भी टेक्स्ट, जैसे कि हम लिखा हुआ होता है, ये सब कुछ लिखा हुआ, ये भी एक तरीके से क्या है? टेक्स्ट है। और टेक्स्ट प्रिंट के अंदर टेक्स्ट का आइकन किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है, जैसे कि हमारी बुक में हमें दिखाया जा रहा है। दिस टूल इज़ यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट एंड नंबर्स इन द पिक्चर्स। इस टूल का क्या काम होता है, ये किस लिए यूज़ होता है? टेक्स्ट को इंसर्ट करने के अंदर, यानी टेक्स्ट को लिखने के अंदर और नंबर्स को लिखने के अंदर पिक्चर में। फॉलो दिस स्टेप टू ड्रॉ यूजिंग द टेक्स्ट टूल। अब इस टूल को यूज़ करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। नंबर वन स्टेप, क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक कीजिए, जो कि हमें टूल बार पेन मिलेगा। द माउस पॉइंटर विल चेंज टू आई इन द ड्राइंग कैनवस। अब जो ड्राइंग का कैनवस होता है, उसके अंदर जो हमारा माउस का पॉइंटर होता है, वो इस आई के अंदर, यानी ब्लिंकिंग आई के अंदर चेंज हो जाता है। इसके बाद नंबर टू स्टेप है, सिलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। कलर पैलेट में से जाकर हमें एक सिलेक्ट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। नंबर थर्ड स्टेप, सिलेक्ट द टेक्स्ट स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्टर पिन। सिलेक्टर पिन में से जाकर इस टेक्स्ट का स्टाइल सिलेक्ट कर लेना है। एक नोट है, द अप एंड डाउन एरोज इन द सिलेक्टर पिन कैन बी यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉन्ट साइज। जो कि हमें सिलेक्टर पिन के अंदर दो एरो दिख रहे होते हैं, अप और डाउन के, वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? मतलब फॉन्ट साइज़ को, यानी टेक्स्ट के साइज़ को चेंज करने में, इंक्रीज और डिक्रीज करने में। इसके बाद इसका फोर्थ स्टेप है, ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग कैनवस एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। वंस अ ब्लिंकिंग कर्सर विल बी सीन इन अ बॉक्स, टाइप द टेक्स्ट इन द बॉक्स, यूज एंटर की टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अच्छा, जब हमने एक लाइन के अंदर टेक्स्ट लिख लिया, अब हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाए, तो हमारे कीबोर्ड के अंदर एक एंटर की होती है, उसको प्रेस कर जब हम लोग नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएंगे। नंबर फाइव स्टेप, क्लिक ऑन द डिजायर्ड लोकेशन इन द ड्राइंग कैनवस टू मूव द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स टू द लोकेशन फिगर 7.7। फिगर 7.7 में हम दिख रहा है यूजिंग टेक्स्ट टूल, यानी टेक्स्ट टूल को यूज़ करते हुए दिखाया गया है। ये क्या है? हमारे अप एंड डाउन एरो है, जो कि हमारे फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ये टेक्स्ट टूल है। अब इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया। अब हमें ये टेक्स्ट पेंट एक साथ लिखा हुआ, मैं चाहती हूँ पेंट इसके नीचे आ जाए, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा हुआ है क्योंकि ये इसके अंदर बॉक्स है, तो मैंने एंटर की यहाँ पर प्रेस की और पेंट टेक्स्ट के नीचे आ गया। इसके बाद मैजिक है, मैजिक एक हेडिंग है, मैजिक का एक आइकन हमें दिख रहा है, इस तरीके का होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ टूल्स विद मैजिकल अफेक्ट्स। ये एक टूल है जिसके अंदर मैजिकल अफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। दिस मैजिकल अफेक्ट्स कैन बी एडिड टू द ड्राइंग क्रिएटेड टू इन्हेंस दैम। मैजिकल अफेक्ट्स क्या होते हैं? हमारी ड्राइंग के अंदर ऐड होते हैं और हमारी पेंट होती है, हमारी जो ड्राइंग डायग्राम वगैरह होती है, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फॉलो दिस स्टेप टू अफेक्ट्स यूजिंग द मैजिकल टूल। क्लिक ऑन द मैजिकल टूल इन द टूल बार पेन। द माउस पॉइंटर विल चेंज टू अ मैजिक वैंड इन द ड्राइंग कैनवस। सिलेक्ट द डिजायर्ड मैजिकल अफेक्ट फ्रॉम द सिलेक्टर पिन फिगर 7.8। फिगर 7.8 में दिखाया जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर मैजिक टूल को सिलेक्ट कर लिए यूजिंग द मैजिक टूल। मैजिक टूल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब हमने कर लिया तो हमारा माउस पॉइंटर किस में चेंज हो जाएगा? एक मैजिक वैंड के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है नोट, यू कैन चूज टू अप्लाई मैजिकल अफेक्ट टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ पिक्चर। अगर आपने अप्लाई करना है मैजिकल अफेक्ट तो एक स्पेसिफिक पार्ट पिक्चर का, आप क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें बाय क्लिकिंग द लेफ्ट माउस बटन। मतलब लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन यूज़ करते हुए क्या कर लें, अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर लें। ऑफ यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट टू द इंटायर पिक्चर विद अ सिंगल क्लिक। यूज द लेफ्ट एंड राइट एरो बटन बिलो द डाउन एरो इन द सिलेक्टर पिन एंड टू डू सो। अच्छा, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें मैजिकल इफेक्ट अप्लाई करना है तो पिक्चर का एक स्पेसिफिक पार्ट हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पर अप्लाई कर देंगे सिंगल क्लिक को यूज़ करते हुए। इसके बाद अंडो और रीडो का ऑप्शन दीजिएगा, जो कि इस तरीके का आइकन होता है। प्रेसिंग द अंडो ऑप्शन कैंसिल द लास्ट ड्राइंग एक्शन। अंडू का ऑप्शन क्या काम करता है कि हमारा जो ड्राइंग का लास्ट एक्शन होता है उसको क्या करता है, कैंसिल कर देता है, बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म कर देता है। इसके बाद रीडो ऑप्शन है, द रीडो ऑप्शन रिपीट्स द ड्राइंग एक्शन कैंसिल जस्ट बिफोर। जो भी काम हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया हुआ होता है, लास्ट टाइम उसको क्या क्या हुआ था, हम लोगों ने कैंसिल किया हुआ था, उसको क्या कर देता है, रिपीट करवा देता है, यानी वापसी लेकर आ जाता है। Both this option can be used more than once if the user has no undertaken a new drawing action.
जब तक ये ऑप्शन यूज़ कर सकता है तब तक ये जो यूज़र होता है जो यूज़ कर रहा होता है पेंट वगैरह वो जब तक ये दूसरा एक्शन प्रिपेयर नहीं कर लेता, दूसरी कोई चीज़ बना नहीं लेता, जब तक ये रीडो और अंडो के ऑप्शन क्या होते हैं अवेलेबल होता है। अब चलते हैं हम अपने वर्किंग की तरफ। हमारी वर्किंग है क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th की। व्हाट आर ड्राइंग कैनवस, व्हाट इज ड्राइंग कैनवस, ड्राइंग कैनवस क्या होता है, ड्राइंग कैनवस की हेडिंग है ड्राइंग कैनवस, इट इज़ द ड्राइंग स्पेस इन द टेक्स्ट पेंट विंडो। टेक्स्ट पेंट के अंदर जो विंडो होती है उसको क्या कहते हैं, जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग कैनवस कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट पेंट मेन स्क्रीन। अब कंपोनेंट्स क्या है टेक्स्ट पेंट मेन स्क्रीन के, कंपोनेंट्स ऑफ टेक्स्ट पेंट मेन स्क्रीन, द कंपोनेंट्स ऑफ टेक्स्ट पेंट मेन स्क्रीन आर एज फॉलोज, टूल बार पेन, ड्राइंग कैनवस, सेलेक्टर पेन, कलर्स और हेल्प एरिया। ठीक है, ये 5 क्या है टेक्स्ट पेंट के मेन स्क्रीन के कंपोनेंट्स है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।